क्या खूब कहा है, जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 13 अप्रैल दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे आज का संपूर्ण राशिफल। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है, बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना करें मित्रों और कमेंट में जय बजरंगबली महाराज लिखें। बजरंगबली महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नित्य ज्ञान के बारे में। आज चाणक्य जी कहते हैं, सोच का व्यक्ति बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हराने में आसान सक्षम रहता है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में चुनौती से घबरा कर बैठ जाता है वह कभी सफल नहीं हो पाता, परंतु सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति ऐसे में समय चुनौती देकर मत देकर सफलता की मंजिल को प्राप्त करते हैं। सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, लेकिन तकदीर परिश्रम करने वाले व्यक्ति कभी तकदीर और अपनी मेहनत से बनाते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुँचता है वह कभी मेहनत ही होता है। और चाणक्य जी कहते हैं, सफल व्यक्ति मेहनत करना कभी नहीं छोड़ सकता और भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। निष्क्रियता इंसान को सफलता से कोसों दूर रखती है, लेकिन जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं, अपने कार्य को तत्परता दिखाते हैं, वह व्यक्ति जरूर सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में निष्क्रिय रहें, कार्य को पूर्ण करें और सब कुछ संबंधित आप पुराने शानदार बन कला है और किसी में एक शानदार कला नहीं होती, लेकिन जिसके पास होती है वह सफल माना जाता है। आचार्य चाणक्य जी का मानना है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सिक्का जमाना चाहते हैं, आपको उस क्षेत्र में लोगों से अच्छे संबंध साबित करने चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 13 अप्रैल दिन चल रहा है, मंगलवार, तिथि चल रही है द्वती, नक्षत्र चल रहा है अश्विनी, ऋतु चल रहा है वसंत ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:16 पर और सूर्यास्त होगा 4:51 पर। आज का शुभ समय 10:40 से 12:26 तक। आज का अशुभ समय 8:10 से 9:58 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 8 है और अभाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग पीला है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि, आज आपकी राशि में बना वैद्युतिक योग आपके लिए सुफलदायक रहेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन में प्रोत्साहन मिलेगा जो आपको मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल और आनंद रहे, भाई बहनों का सहयोग खबर आनंदित करेगी। आर्थिक मामलों में आज का दिन खर्चीला रहेगा, लेकिन शुभ कार्यों में व्यय और धन में आगमन होते रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप छोटे भाई बहन और सहकर्मियों पर तालमेल बनाकर रखेंगे और आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्य व्यवहार से जुड़े आपके विवाद आज सुलझ सकते हैं, नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम शुरू हो सकता है। जमीन जायदाद के मामले में पारिवारिक के आसपास के लोग कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं और किसी खर्च और कर्ज में आपकी चिंता के कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुला राशि के लोग लाभ इनकम में बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और तुला राशि में पारिवारिक जीवन, मित्र पारिवारिक जीवन में खुशियां सिलसिला बरकरार रहेंगे और संतान की सफलता के लिए खुशी में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तुला राशि
राशि के रिश्ते में प्यार दबता जीवन में समय काफ़ी बेहतरीन रहेगा। जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलने की काफ़ी प्रसन्नता इजाफा होगी। और तुला राशि में कैरियर और शिक्षा कार्य क्षेत्र में मेहनत तो बहुत करेंगे मगर परिणाम उम्मीद से कम मिलने के शागित रहेंगे, लेकिन निराशा अपने जीवन में कतई स्थान न दें। इस समय किसी मित्र को आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और सेहत का मामला अच्छा रहने के शागित रहेंगे। आपके मन में योग अध्यात्मक और प्रति की रुचि जागृत होगी और आज सामाजिक व्यवसाय क्षेत्र में विरोधों की भीड़ होगी। आज आप साहस दिखाते हुए बुद्धिमान प्रजापति करते हुए रहेंगे और आज सब कुछ आपके अर्दुष्य स्वभाव के सम्भव रहेगा और आज मन में विचलित होता रहेगा। आज के मामलों में लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। आज पारिवारिक के साथ साथ बिताने अच्छा समय प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि मिलेगी। आज आपकी सेहत को लेकर गंभीर रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी को पढ़ाई को लेकर गंभीरता दिखानी होगी। धन लाभ होगा और परिश्रम में अच्छा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में नज़रअंदाज न करें। किसी विशेष सावधानी को लेकर पेट संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें और आज आर्थिक स्थिति बढ़ाने का प्रयास में शामिल होंगे। शास्त्र व ज्ञान के सुधार सुधरेगा और मन में कुछ नए तरह के आत्मविश्वास पैदा होंगे। कुछ लोगों को अचानक भौतिक ऋण का प्रवेश होगा। अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आपको आय में व्यय में तालमेल बनाकर रखना है। भोग विलास के साधनों में अधिक खर्च करने से बचें। अनेक विधाओं के बावजूद भी आपको साधन बीतेंगे आज के, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। मित्रों परिजनों के कार्यों में आपकी भागदौड़ करनी पड़ेगी। इसी दौरान यात्राएं भी होंगी, इसलिए सावधानी से वाहन चलाएं। सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। काम करने में सुख सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में आप दूसरों के लिए भले सोचेंगे और दैतय जीवन में धन बृहस्पति राशि ब्रजमान होंगे। आर्थिक स्थिति आपके परिवार में संपत्ति वृद्धि होगी। आज नए कार्यों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो शुभ फल रहेगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। प्रयास में सभी कार्य बनने की संभावना रहेगी और धन लाभ होगा। यश मान सम्मान वृद्धि का बन रहे योग बनेंगे। खान पान को आज आपकी दिनचर्या में ध्यान दें और अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और इनकम में अच्छी ठीक ठाक रहेगी। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज का दिन बढ़िया रहेगा। अपने प्रिय की दिल में जगह बनाएंगे। काम के सिलसिले में दिनमान अच्छा रहेगा और तुला राशि के जातक आज अपने कार्यों में पारिवारिक के दोनों के बीच बैलेंस बनाते हुए कार्य करेंगे। जरूरी कामकाज में व्यवस्थित करने पर आपका फोकस रहेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहेगी। मित्रों यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।